व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एंड्रॉइड बार। सो आज की स्टूडियो में यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कलरओएस 7 के जो न्यू कोटा हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैं जो है ओप्पो के ऑफिशियल जो कलरओएस 7 का पेज है उनका जो ऑफिशियल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, टिक मार्क आपको देखने को मिल रहा है और फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा। इसका मैं लिंक आपको आपके जो है आपके साथ नीचे शेयर कर दूँगा। सो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर अपडेट इसने शेयर कर दिया तो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो यहाँ पर मैं स्वाइप अप करता हूँ तो इसका मैं लिंक आपके साथ नीचे शेयर करूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर 2 आवर अगो है, यानी 2 घंटे पहले यहां पर उन्होंने अपडेट का जो है वो बता दिया है कि हमारी जो है कलरओएस जो है 7 प्लस एंड्रॉयड 10 का वर्जन जो है उसका कोटा जो है हमने रिलीज़ कर दिया है, जिसमें जो स्मार्टफोन है वो है F11 एंड F11 Pro और OPPO A9, जिसमें HP कंट्री है, फिलिपेन है, मलेशिया, पाकिस्तान, कोलंबिया। ओप्पो रेनो 2 में जिसमें जो कंट्रीज जिसमें कोटा जो है दिया गया है वो HP है, फिलिपेन है, मलेशिया, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड एंड कोलंबिया। और इंडिया में जो है पहले से रिलीज़ हो चुका है, अगर आपको नहीं मिला तो आप जो है VPN को ट्राई करके जो कर सकते हैं, VPN को इन कंट्री में ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपडेट काफ़ी ज़्यादा ओप्पो की आती रहती हैं। सो VPN का भी मैं जो है पहले से वीडियो एक बना चुका हूँ, तो उस VPN को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पर इनकी अपडेट जो है रिलीज़ हो चुकी है। सो अगर आप इस पर आएंगे तो आपको बताएगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। अप्लाई ऐसे करना है कि आपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और वहाँ पर जाने के बाद आपको जो है उसका ट्रायल वर्जन जो होगा उस पर जाने के बाद आपने जो अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। सो सबमिट करने के बाद जो है आपको उसके बाद आपको थोड़ी देर में यानी 2-3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर आपके फ़ोन में अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो ये जो है शेड्यूल वगैरह हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर कोई और स्मार्टफोन की अपडेट जो है आती है तो वो भी आपके साथ जल्द से जल्दी शेयर करूँगा। अगर आप यूज़र को अपडेट जो है वो आपके फ़ोन में देखने को नहीं मिलती तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई दूँगा। सो मैं मिलता हूँ आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग अगली दफ़ा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।